अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम नो अमोनिया हेयर कलर का रिव्यू। ये ब्लैक कलर में है और ये मेरी मम्मी के लिए है। उनका हेयर ऑलमोस्ट 10% ग्रे हो चुका है, तो इसलिए वो गार्नियर का कलर नेचुरल यूज़ करती थी, वो भी ब्लैक में ही करती थी, जिसका प्राइस 39 रुपीज़ था, वो फ़ायदा देता था। पर ये सडनली मेरे पापा ये खरीद के ले आए, तो ये भी मम्मी ने यूज़ किया क्योंकि हम वेस्ट तो नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एग्जैक्टली दो चीज़ें हैं, एक डेवलपर और एक कलर, दोनों को मिलाना पड़ता है। और क्योंकि मेरी मम्मी का सिर्फ 10% ही हेयर ग्रे है, तो इसलिए पूरा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आधा आधा करती है, फिर आधा आधा 15 दिन बाद करती है। यही ठीक रहेगा, 2 हफ्ते बाद यानी तो 15 दिन बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो प्रॉपरली आप उसको वाइट मतलब पहले होने दें, फिर आप अप्लाई करें तो बेहतर है। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 30 रुपीज़ है, जो कि गार्नियर कलर नेचुरल से चीपर है। क्यों देखिए, कोई कोई ब्रांड क्या होता है, क्वालिटी सेम होता है, बस जस्ट बिकॉज उसका ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के लिए वो ज़्यादा मार्केट्स में यू नो सेल होता है, इसलिए उसका प्राइस भी क्योंकि डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है, इसलिए वो 39 हो गया। बट गोदरेज क्या है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है और ये भी बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्टली, मुझे तो कोई डिफरेंट नहीं लगा। पर इसका प्राइस 30 रुपीज़ है क्योंकि इसका मार्केटिंग लेवल थोड़ा लो है, तो आप अपना चॉइस खुद कीजिए। इसमें भी नो अमोनिया है, वो भी नो अमोनिया है। कि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया हमारे हेयर को क्या करता है, उसमें परऑक्साइड होता है जिसमें अमोनिया होता है, उससे क्या होता है हेयर की जो नेचुरल शाइन होती है, शीन होती है, वो चली जाती है और हेयर डल हो जाती है और नो बिल्कुल लाइट हो जाती है, लाइट वेट एंड वाइट हो जाती है, फिर उसका खुद का कलर नहीं रहता है। तो उसके बाद अगर आप कलर करते हैं तो वो जो अपना कलर है उसमें ढल जाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, मैं ये बताना चाह रही थी। जिसमें अमोनिया होता है वो क्या करता है, पहले आपको आपके हेयर के जो नेचुरल कलर है उसको पेल कर देती है, फिर जो उसका कलर जैसे आप बर्गंडी लगा रहे हैं या फिर ब्राउन लगा रहे हैं तो वो कलर को अच्छे से उसमें ढालती है, तो यही इसका मतलब है। पर अगर आप नो अमोनिया वाला यूज़ करते हैं तो आपको पहले का जो कलर है वो रहती है, उसके ऊपर ये एक ब्लैक लेयर बना देती है, तो यही है नो अमोनिया का। और इसमें भी एलोवेरा है, देखिए मैं एलोवेरा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं जिसमें भी एलोवेरा देती हूँ तुरंत खरीद लेती हूँ। मेरा बेस्टलिंग जो है वो भी एलोवेरा का है, मेरा शैम्पू रेपियर एवरीथिंग मेरा एलोवेरा का है, तो ये भी एलोवेरा का है, तो इसलिए मैं थोड़ी इससे इम्प्रेस्ड हूँ। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे आपको लगाना है, बट फिर भी मैं आपको बता, बहुत सिंपल है, बस दो चीज़ों को आपको डालना है। एक रिमेंबर कि वो जो आप बाटी में डालें तो वो मेटल का ना हो, क्योंकि मेटल से जो है रिएक्ट कर सकती है, तो इसलिए वो ग्लास का हो सबसे अच्छा होगा। ग्लास में आप दोनों को डालें, फिर ब्रश से उन दोनों उसको मिक्सचर करें, धीरे देखेंगे पहले वाइट रहेगा, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक में टर्न हो जाएगा, उसके बाद आप यूज़ करके इस तरह से ब्रश से आप यूज़ करके आप लगभग 1 घंटा रख के उसको हल्का गुनगुना पानी में धो ले, इस तरह से आपको अच्छा कलर देती है। और इसका प्राइस मैंने पता है आपको 30, और इसका क्वांटिटी 20 ग्राम प्लस 20 ml एक्स्ट्रा है, 20 ग्राम प्लस 20 ml एक्स्ट्रा है। और जैसे मैंने आपको बताया 10% है अगर आपकी हेयर ड्राई करनी है तो फिर ये ओके है, पर अगर आप फुल हेयर करना चाहते हैं तो इस तरह के आपको 2 पैकेट्स चाहिए होंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें।